Greetings and welcome to me and Taro. तो मेरा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 29 मई रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड हम करने वाले हैं तीन ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग। ठीक है, पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल एंड थर्ड इज द लाइफ नेविगेटर डेक। ठीक है, तो हाँ हम दो ओरेकल के साथ ही रीडिंग करने वाले हैं। बट देन द क्वेश्चन इज कि क्या आपने आज के लिए कुछ प्लानिंग की है, कुछ समथिंग डिफरेंट बनाया है? सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फॉर टुडे? तो चलो उसके भी जवाब मिल लेते हैं। पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाह, ये कार्ड्स आते हैं। हमें एक चाहिए दो या तीन कार्ड, पहला और हमें सिर्फ दो कार्ड चाहिए, दूसरा एंड ये चाहिए तीसरा। ठीक है, तो चलो हमें ये सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन सेकंड कार्ड हमें देखना पड़ेगा जो कि है टू ऑफ सोर्ड्स। ये क्यों है? ठीक है भाई, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स दोनों ही जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साइन, यानी कि भाई एयर साइन। एंड व्हाई डज इट सो कि भाई नौ नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड देन टू ऑफ सोर्ड्स? देखो आई थिंक कहीं ना कहीं भाई बात ऐसी है कि अगर आपने इनसे मिलने का वादा किया है लेकिन अगर मिल नहीं रहे हो, अगर सैटरडे को भी आपका कोई इनको SMS नहीं किया है या फिर कोई आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, तो ये पर्सन अपने आप को गिल्टी फील करा रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन इसको एज वेकेशन लेने वाला था या फिर काफ़ी हद तक हम कहें तो इसको स्पोर्टिंग लेने वाला था। ठीक है, कि चलो भाई दिल नहीं मिल रहे लेकिन एटलीस्ट हम दोनों साथ में मिलके चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप उनसे मिल नहीं रहे हो या फिर उनसे ढंग से बातें नहीं कर रहे हो, उनको मिलने के लिए भी नहीं आ रहे हो, तो ये इस बात को बहुत दिल से लगा लेगा। ठीक है, एंड वही क्या कारण है क्यों ये पर्सन इस बात को लेकर परेशान हो रहा है। देखो टू ऑफ सोर्सेज में वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आप दोनों के बीच हो, चाहे कोई इशू हो, चाहे प्रॉब्लम हो, आप दोनों मिलके बैठ के उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सोल्यूशन निकलते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओनली नाइन ऑफ सोर्सेज देयर, नाइन ऑफ सोर्स का मतलब क्या है कि भाई बार बार एक ही चीज़ को लेके सोचना, तो ये आप दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो जो हुआ जो था वो था, अगर आपको लग रहा है कि भाई यू नीड टू अपडेट दिस पर्सन, तो आप बहुत ही इजीली इनको अपडेट दे सकते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी भाई ये कार्ड अगेन द्योतक है इस बात का कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको शायद लगेगा कि भाई ऐसे कार्ड क्यों आ रहे हैं। देखो भाई इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें उन्होंने लगा के रखी है। ठीक है, अब आप उनके लिए क्या करते हो ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये अकेले पड़ गए हैं या फिर ये आपकी कहीं भी कोई भी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, आप दोनों का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आता हो। ठीक है, आपने अब तक जब कहा होगा कि भाई वो कोई आपके जान पहचान वाले हैं, उनकी लाइफ देखी है, यस उनकी लाइफ बहुत अच्छी है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को मेंटेन किया हुआ है। कि आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है नहीं, तो फिर ये खामियाँ हमें देखने को मिल रही है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई खामियाँ हैं तो आप उस खामियों के साथ क्या करना चाहते हो। जो इंसान उन खामियों को एक्सेप्ट करता है वो जल्दी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी भाई फैमिली, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फ्रेंड्स है, अगर वो आपको मौका दे रहे हैं कि भाई चलो कहीं पे घूमो या फिर नेगेटिविटी को दूर करो, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक एक सही मोमेंट हो सकता है। देने कार्ड डिस्पोज की है एट ऑफ सोर्स। एट ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों आ गया कार्ड वापस ऐसा कार्ड क्यों है? देखो आपको या फिर इस पर्सन को किसी भी बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालात चाहे कुछ भी बन सकते हैं, हालात का सामना आप कैसे करते हो ये भी देखने वाली बात होती है। ठीक है, मे बी ऐसा है कि अगर आप इनके सामने अपनी वजह सही तरीके से रखते हो तो ये आपसे नाराज नहीं होंगे। वैसे अगर इन्होंने अपनी साइड आपके सामने रख दी तो आप भी इनके सामने नाराज नहीं होंगे। देन गॉट टू ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी भाई ये वेटिंग पीरियड है, पर ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें। ठीक है, यहाँ पे पैशन आता है तो एरीज लियो साज, एंड इट्स मोर अबाउट कि भाई आपका दिल किस बात के ऊपर रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या आप एक दूसरे के दिल का अंडरस्टैंडिंग करते रहोगे कि भाई किसी का दिल धड़क रहा है, वो कह रहा है, तो क्या आप इस पर्सन के दिल को एक्सेप्ट करोगे? ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट योर लव, इट्स ऑल अबाउट योर करेज, इट्स ऑल अबाउट योर लस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर करेज। तो भाई करेज के बारे में भी ये कार्ड है,
तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या आप इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हो या नहीं। देन यू गॉट दिस वन जो कि है सेवन ऑफ कप्स। भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से मैं क्या करूँ? इसका सिंपल मतलब है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सही होने वाली। जैसे कि हमने देखा कि भाई आपके लिए प्यार का सवाल तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जवाब देने की बारी आपकी है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स में शायद आपको लग सकता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एट द एंड, बिकॉज वो तो भगवान है, आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। ओके, देखो हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ आ जाए ये हम तय नहीं कर सकते, जो आ रही है हमें उनका सामना किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। देखिए गॉट दिस वन जो कि है थ्री ऑफ कप्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस और कैप्रिकॉर्न अगेंस्ट थ्री ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का है इसका मतलब। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपकी और इनकी जोड़ी सही सलामत है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, दे डोंट वरी, भगवान भी आपके लिए ही कोशिश करेंगे। उनका यही कहना है कि सब लोग अच्छे से जिए, सब लोग शांति से जिए, राइट। लेकिन फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? देखो आपको मानना होगा कि कुछ चीज़ें ये सिर्फ आपकी होती हैं, कुछ पल ये सिर्फ आपके होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी से बातचीत करनी है, कब बातचीत करनी है आप तय करोगे, दूसरा कोई आपके लिए तय नहीं कर सकता। ठीक है, तो था रिगार्डिंग दी टैरो, और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, वन टू थ्री। ठीक है, चलो यहाँ से कुछ कार्ड चुनते हैं। यह गया पहला कार्ड, यह गया दूसरा कार्ड, एंड एक कार्ड चुनते हैं जो कि है ये तीन। ओके, तो तीन कार्ड हमने लिए हैं, तीनों कार्ड का मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है अलोवेंस। अलोवेंस का मतलब क्या है कि भाई अलो करना। मे बी कोई नया पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो क्या आप उसे अलो करोगे? आपका प्यार जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, कान पकड़ रहा है कि आई एम सॉरी, दोबारा से ऐसी गलती ना होगा, तो क्या आप इसको अपनी ज़िंदगी में आने दोगे? भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही नंबर 14, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि अभी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन बात यह कि अभी वो कम्युनिकेशन करने के लायक है, इसलिए बात कर रहे हैं। जहाँ पे लायक ही नहीं थे वहाँ पे इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं था। जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है कॉस्मिक फ्लावर। इसका मतलब आ रहा है कि एक्टिवेट द रिमेम्बरेंस ऑफ द प्लेस वी कॉल होम, कि आप दोनों की असलियत, जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं, चूमते हैं, हाथ थामते हैं, तो उससे बहुत सारी ऊर्जाएं यहाँ वहाँ चली जाती हैं, राइट। तो इस ऊर्जा को ध्यान में रखना है कि आप सबकी मिलकर एक जगह है, उस जगह को आपको बरकरार रखना है। ठीक है, अब इसको रखते हैं हम साइड में, एंड फाइनल देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रेडी मिलती है। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, तो यहाँ पे दो कार्ड आ चुके हैं। देखो दोनों जो कार्ड है, एज यू कैन सी, लाइटिंग द डार्कनेस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, स्वीटनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या आ रहा है कि लाइफ स्वीटनेस जो है वो हर मोमेंट में बसी होती है, बस हमें वो इतर बाकी लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो हैबिट है अप्रिसिएशन, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, डेफिनेटली उससे काफ़ी सारा प्रभाव पड़ेगा। एंड लाइटिंग द डार्कनेस का मतलब क्या है कि भाई ह्यूमन जो है वो घर को रोशन करने के लिए दिया जला सकता है, ठीक है, लेकिन दिया जो है वो एक्चुअली एक प्यार भरे दिल से ही निकलती है। ठीक है, तो आपका दिल बहुत मजबूत और बहुत प्यारा होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वैसा है जैसे मैंने कहा, तो आप लोगों के लिए इससे काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट।